देश में दलित अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को लेकर भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने एससी एसटी वर्ग के जनप्रतिनिधियों के साथ नागौर और बाड़मेर में हुई दलित अत्याचार की घटनाओं पर संज्ञान लेने को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं सदन में सरकार को घेरने के बाद अब सड़क पर सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर भाजपा मुख्यालय में एससी एसटी मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार को घेरने के साथ ही केंद्र सरकार की से बजट में एससी एसटी वर्ग को दी गई सौगातों को जनता के बीच ले जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को यह निवेदन किया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाबचंद कटारिया जी ने, अर्जुन मेघवाल जी दिल्ली से आए हैं और हमारे तमाम जितने एमएलए एमपीज हैं सब लोगों ने चिंता जाहिर की, इनके सब क्षेत्र इस बात से प्रभावित हैं और हमने साफ तौर पर कहा है कि आज राज्यपाल महोदय निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लें, सरकार को खुद वो इंटरवीन करें और सरकार को इस बात से जवाब मांगे कि इतनी घटनाएं होने के बाद सरकार आखिर कार्रवाई करती क्यों नहीं, चेतती क्यों नहीं है। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्तमान एमपी और एमएलए हैं उनके साथ हमने राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि इस कांग्रेस के इस शासनकाल में 15 महीने का ये कालखंड गुजरा है, दलित और आदिवासी समाज के प्रति जो घटनाएं घट रही है वो शर्मनाक भी है, राजस्थान को शर्मसार करने वाली भी है और सरकार इन घटनाओं की लीपापोती करती है, इसलिए घटनाएं ज़्यादा भी घटित हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद भी हो रहे हैं।